क्या हाल है मेरे टेस्ट पार्टनर, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल टेस्ट पार्टी में। दोस्तों कैसे हैं आप? और आज है दोस्तों संडे, और संडे का मतलब क्या है? छोले भटूरे। तो आज हम आ गए हैं छोले भटूरे खा रहे हैं। आपको पता है दिल्ली के फेमस छोले भटूरे कौन कौन से हैं? पता ही होगा आपको, उन्हीं दिल्ली के फेमस छोले भटूरे वालों में से एक के पास मैं आया हूँ। मैं आया हूँ इस टाइम पे ओम जी करोल बाग वाले छोले भटूरे वालों के पास। बट इस टाइम पे मैं आपको एक खास बताऊँ, मैं इस टाइम पे करोल बाग में नहीं हूँ, मैं हूँ इस टाइम पे ओम जी कॉर्नर ईस्ट जैली में। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट जैली में जो ओम जी कॉर्नर है, हम उस पे आए हैं इनके आज छोले भटूरे ट्राई करने। करोल बाग में ही हमने ट्राई करे हुए हैं, उनके इधर टेस्ट सबको पता ही है कैसा है। चलिए आज यहाँ पे ट्राई करते हैं कैसा इनका टेस्ट है, क्या खास है इनके भटूरों में। चलिए चलते हैं अंदर, टेस्ट करते हैं, थोड़ी मेकिंग दिखाते हैं आपको, भैया थोड़ी बात भी करेंगे। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये है ओम जी कॉर्नर करोल बाग फेमस छोले भटूरे वाले ईस्ट जैली में। मैं आपको बताऊँ, ये वही रोड है जो बीथरी ऐसे गांधीनगर की तरफ जाती है, बीच में आपको मिलेगा ओम जी करोल बाग वाले छोले भटूरे। तो यहीं पे मिलेंगे बढ़िया बढ़िया से छोले भटूरे। तो चलिए चलते हैं, अब टेस्ट भी कराते हैं, अपने लिए बनवाते भी हैं। भैया संडे का मतलब आपको पता ही है, छोले भटूरे होते हैं पंजाबियों के लिए तो खास होते हैं। अब भूख लग रही है, नाश्ते का टाइम तो हो ही चुका है। चलिए अंदर चलते हैं, भैया से बात करते हैं, अपने भी छोले भटूरे बनवाते हैं। चलिए आइए चलते हैं। तो गाइस चलिए भैया से बात करते हैं। भैया नाम बताइए। मेरा नाम हर्ष वर्मा है। तो भैया ये करोल बाग में धमाके के बाद वहाँ तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, यहाँ पे कितना टाइम हो गया भाई? यहाँ पे मुझे डेढ़ साल हो गए हैं। दो साल होने वाले मेरे। तो यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है? यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा है, शुरू में थोड़ा रिस्पॉन्स कम था, लेकिन अब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों को पता लग रहा है, लोग आ रहे हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे फीडबैक है हमारे, काफी दूर दूर से कस्टमर यहाँ पे आते हैं। छोले भटूरे के अलावा और कुछ भी होता है? छोले भटूरे, कढ़ी राइस, राजमा राइस, छोले राइस, कुल्लड़ लस्सी, कुल्लड़ चाय और ये सब होता है। और बाकी नेक्स्ट मंथ से जो है हमारा नान थाली, चूरचूर नान स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप वो भी आके ट्राई करिएगा, वो भी बहुत स्पेशल होने वाले हैं। चलिए अभी है ब्रेकफास्ट वाला टाइम, हम ट्राई करते हैं छोले भटूरे। तो गाइस ये देखिए, ये है पालक की ग्रेवी, इसके ऊपर देखिए जो लेयर है देसी घी की लेयर है, और ये जो ये पालक की ग्रेवी है ये बार बार छोलों में मिक्स करी जाती है। ये हर जगह देखने को नहीं मिलती है कि पालक की ग्रेवी जो है वो छोलों में डाल रहे हैं, और वो भी देसी घी डाल के। गाजर का अचार होता है, प्याज होती है और हरी मिर्च होती है। अभी हमने कुल्लड़ चाय भी स्टार्ट करी है, मसाला स्पेशल चाय है, वो भी हमने स्टार्ट करी है, आप वो भी ट्राई करिएगा। और अभी नेक्स्ट मंथ से हमारा जो है नान थाली वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी बहुत स्पेशल होंगी, तो आप प्लीज़ आप आइएगा और टेस्ट करिएगा। तो गाइस कुल्लड़ वाली चाय, तो भैया सुबह सुबह की वाली चाय जो छोले भटूरे खा रहे हैं, साथ में लस्सी या फिर चाय, दोनों में से कुछ भी मिल जाए तो भैया छोले भटूरे का जो स्वाद होता है वो तो मस्त आ ही जाता है। और जो भैया ने बताया कि नान वाली थाली जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रही है, तो दूर आइएगा, ट्राई कीजिएगा, हम भी आकर ट्राई करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है। तो गाइस यहाँ पे छोले हैं अलग अलग बैचेस में तैयार किए जाते हैं, इकट्ठे एकदम तैयार कर नहीं रखते हैं। अब ये छोले जो है एक लॉट खत्म हो गया है, दूसरे लॉट में जो छोले हैं वो रेडी हो रहे हैं। देखिए मसाला जो है इनका, भैया बता रहे थे इन्होंने सूखा मसाला है वो प्रिपेयर करके रखा हुआ है, और ये जो छोले हैं अब इसमें मिक्स कर रहे हैं। बिना प्याज लहसुन के छोले होते हैं, और ये जो छोले होते हैं बिना प्याज लहसुन के होते हैं गाइस, देखिए। और गाइस ये छोले पे मसाले का मिक्स करने का प्रोसीजर ही कैसा है, ये हाथों से इसको मिक्स नहीं कर रहे हैं ताकि जो छोले हैं वो मैश ना हो जाएं, वो टूट ना जाएं, वो खड़े खड़े छोले बने, उसके लिए क्या कर रहे हैं, देखिए ये छोलों को एक से दो टमे बार बार मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने देखिए फाइनली आके गैस पे इन्होंने छोले चढ़ाए हैं। क्या बात है भाई साहब, यही देखो एक जो तरीका होता है जो मसाले डले हुए छोलों में वो अच्छे से उनका जो टेस्ट है इस ऑयल डालने से मसालों छोलों के अंदर चला जाता है, और अजवाइन का इसमें ये छोंक लगाया जाता है। देखिए अब ये आ गए भैया अदरक के लच्छे, हरी मिर्च। तो गाइस यहाँ पे बने देखिए फूले फूले भटूरे, गुब्बारे की तरह भटूरा फूल गया है भाई साहब। क्या नाम भैया आपका? विजय। कितने टाइम से बना रहे भटूरे आप? कितने टाइम से बना रहे भटूरे? हो गए 5-6 साल। 5-6 साल से बना रहे हो? बढ़िया, एकदम फूले फूले बनते हैं भटूरे भाई। तो ये ओम जी कॉर्नर छोले भटूरे वाले जो है करोल बाग फेमस, उनके जो भटूरे हैं हमने ले लिए। चलिए टेस्ट करते हैं करोल बाग और यहाँ पे क्या टेस्ट है, फर्क है, स्टार्ट करें एक बार।
आपको एक बात, भटूरे वो जगह फूले मिल जाएंगे जो खास बात है छोलों की, छोले बहुत बढ़िया भाई साहब। और इसमें जो पालक की ग्रेवी उन्होंने डाली हुई है उससे टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है, देसी डाला हुआ है। और ये मसाले वाले आलू थोड़े स्पाइसी हैं, मज़ा आ रहा है, साथ में सैलड भी मज़ा आ गया भाई। तो भाई साहब जो छोले भटूरे का दीवाने हैं ना, आ जाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया चीज़ मिलने वाली है आपको भाई। मैं तो दोबारा आने वाला हूँ यहाँ पे, और एक प्लेट से इतने हैवी छोले भटूरे हैं, एक प्लेट में पेट भरने वाला है। मेरी तरह आप और भी ले सकते हो, क्योंकि मैं तो एक प्लेट और खाने वाला हूँ भाई साहब। बहुत बढ़िया भाई साहब, सच्ची में। और वैसे भी भाई संडे को अगर भटूरे मिल जाएँ, क्या बात है भैया। ये देखिए कुल्लड़ वाली लस्सी, ओ भाई। एंड करते करते देखो पूरा दिन सोने का काम कर दिया, भटूरे और लस्सी मेरी चूट है वैसे अगली। भाई साहब ड्राई फ्रूट वाई फ्रूट डाल के कुल्लड़ वाली लस्सी, मीठी मीठी और भटूरे, और क्या चाहिए ज़िंदगी में बता दो भाई। तो भैया कैसा लगा आपको ये सब, कमेंट करके बता दीजिएगा और आगे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया लोकेशन यहाँ की, मैं हूँ गुरु अंगद नगर ईस्ट दिल्ली ओम जी कॉर्नर करोल बाग वाले। तो आगे ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो अपने अगले ब्लॉग तक के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हम इन्जॉय करते हैं।